बाबा नगरी में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा के जलाभिषेक के लिए रविवार की रात से ही पूरा कांवरिया पथ महादेव के भक्तों से अटा रहा। लगभग 2 लाख भक्त कांवड़ लेकर बाबा की नगरी पहुंचे हैं। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी को लेकर पूरी बाबा नगरी उल्लासित नजर आ रही है। इसको लेकर प्रशासन भी काफी सक्रिय है। देवघर में पहली सोमवारी को लेकर शिव भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। देर रात से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। देश के हर कोने से भक्त महादेव को जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। बोल बम महामंत्र की धुन सुबह से रात तक गूंजती रही। इस मंत्र की धुन पर बाबा के भक्त भी झूमते नजर आए। इस दौरान उनका उत्साह चरम पर था। इस दौरान बिहार झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। दूर दूर से आए भक्तों में थकान का नामो निशान भी देखने को नहीं मिला। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी काफी सक्रिय है। इसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर काफी तैयारियां की गई है। मेले में रविवार और सोमवार को कांवरियों की लंबी कतार लगती है, जो 15 किमी तक लंबी हो जाती है, जिससे कई बार कांवरियों को बहुत गर्मी महसूस होती है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर इस बार कांवरियों पर पानी के फुहारों का छिड़काव किया जाएगा। मेले में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए लगभग 9000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इसमें 35 डीएसपी, 120 इंस्पेक्टर, 726 सब इंस्पेक्टर, 1100 एसआई, 6200 जवान और 500 महिला समेत 2 बम निरोधक दस्ता, 2 अश्रु दस्ता और 2 एटीएस भी रहेंगे। इसके अलावा मेले में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी भी लगाई गई है, जिससे मेले की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। नहीं, ये दूसरा बार है मेरा। इससे पहले आए थे लॉकडाउन से पहले। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। जो यहाँ पे जो प्रशासन का जो सुरक्षा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बारी बारी से सब जा रहे थे और वहाँ पे भीड़ के भी संख्या तो प्रशासन भी वहाँ अच्छी करे। बहुत अच्छा हो रहा है मुझे। हम बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर जिला मोतीपुर से आए हैं। यहाँ 2 साल से पूरा फैमिली के साथ आते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।